गुड मॉर्निंग, कैसे हो सर? बहुत दिन हुआ वीडियो बना के, सॉरी बहुत लेट हो गया। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है, बोले तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। जो मैं गैरेज पे काम कर रहा था उधर, वो मैं गैरेज छोड़ दिया छोटे से प्रॉब्लम से। तो कि प्रॉब्लम क्या था बोले तो, जो मैं दुकान के जो ओनर थे, उनको समझा रहा था कि मुझे दुकान ठीक करके दो, पेंट करके दो, तो मना कर रहे थे। मैं वन शॉट पे बोल दिया मेरे को दुकान नहीं होना। तो मैं अभी फ़िलहाल घर पे हूँ, इधर 5 पे 5 जो बालकनी का जो जगह है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आज का जो टॉपिक है, रिफिलेबल चेन स्प्रे। दो कैटेगरी का होता है, एक चेन स्प्रे कैन और एक जो हैंडमेड पंप वाला, ये इसमें रिफिल कर सकते हैं। मैं दिखा के देता हूँ कैसे बनाना। और ये और ये जो ये जो इनबिल्ड ब्लो पंप और स्प्रेयर है केमिकल यूज़ के लिए, और ये जो मैं बनाया था, ये कैसे बनाना बोले तो सुनो। अभी जो नॉर्मल जो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर, ये कोटिंग देने के लिए यूज़ करते हैं ये जो कैन, स्प्रेयर कैन। तो मैं क्या किया हूँ, टू व्हीलर का जो ट्यूब आता है उसका जो नेक काट के 10 mm का होल डाल के और उसको टाइट किया हूँ। 10 mm के होल में ये जो नेक आता है ना, आराम से टाइटिंग लेती है। उसके नीचे एक जो रबर कंपोनेंट डाल के, उसके ऊपर वाशर डाल के टाइट किया हूँ। और मेन बात यह है कि रिफिल कहाँ से करना होगा। वाल्व है, वो वाल्व को निकालेंगे तो इधर से ट्यूब रख के रिफिल करके और वो टाइट करके हम फिर ये जो ये है ना, ये जो वाल्व डई से ऑलरेडी हवा था इसमें, तो ये खोल देंगे तो ये आराम से आप फिल कर सकते हैं। ऐसा खोल के इसमें ऑलरेडी है, ठीक है, 90 ml और फ्यूल मिक्स करके डाला हूँ। तो अभी ऑयल और फ्यूल रिफिल करना बोले तो ऐसा एक 10 mm से थोड़ा बड़ा वाला जो रबर पाइप आता है, टाइटिंग लेना है ऐसा, और इसमें से इधर कनेक्ट होता है, इसमें से ये जो छोटा मेजर बोले तो कनेक्ट कर लो और इसमें से फिल कर लो ऐसा स्प्रे करके दबा के। इजी जा रहा अंदर, हो गया। मैं थोड़ा सा बचा के रखा था एक्सपेरिमेंट के लिए, तो हो गया है। सी हाउ इजी हो गया है। और इसके अंदर ये जो वाल्व आता है, वाल्व पिन, ये डाल लो और इसको टाइट कर लो। टाइट करने के बाद हैंड पंप या टाइट हो गया। अभी जो एयर फिल करना बोले तो ये जो जो नॉर्मली जो गाड़ी को मारते हैं पंप, ऐसा टाइट कर लो। सी ले रहा है, जो आवाज आ रही है ना वो एयर अंदर पास हो रहा है, लेकिन अंदर का जो एयर बाहर नहीं आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट रोल होता है। टेस्ट करते हैं, अभी टेस्ट करते हैं, ठीक है, के लिए ठीक है। तुम बोले इधर गंदा करना नहीं चाहता। सी और प्रेशर करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त आता है। अभी समझा देता हूँ, सेम है जो सिस्टम, उसमें सेम सिस्टम ये इधर अंदर होता, अप्लाई होता, ठीक है। दिखा देता हूँ, अभी ये जो पानी वाला है सेम इधर भी, ये जो नेक टू व्हीलर का
इधर क्या किया हूँ, एक्स्ट्रा बड़ा वाला जो नेक का था है, ऐसा का रबर काट के उसके सपोर्ट में ऐसा बिठा के इधर बिठा दिया हूँ, ये बाहर नहीं निकलता। सेम है जो अंदर जाने वाली हवा और वापस बाहर नहीं आना। क्यों ऐसे में यूज़ कर सकता था, लेकिन जो जब फ्यूल डाला इसका जो बोरिंग है वो लूज़ हो गया था और एयर लीक हो रहा था, तो अभी इसमें मैं केरोसिन डालता हूँ। केरोसिन यूज़ कर सकते हैं, डीजल यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ 90 ग्रेड और फ्यूल मिक्स करके चेंज भी स्प्रे कर सकते हैं। उतना काफ़ी तो हो जाता काम, इसमें 100% काम करता है, मैं इतने दिन तो यूज़ कर रहा हूँ अभी। जो अंदर जाने वाली हवा बाहर नहीं आता, ये जो नेक का कमाल यही है। इधर नेक रहता है, इधर से हवा अंदर जाता है, अंदर की हवा बाहर नहीं आता, बहुत यूज़फुल होता है ये। सी ये तो केरोसिन है, ठीक है, कितना होना उतना टाइट कर सकते हैं। और अभी ज़्यादा प्रेशर होना बोले तो इसको मारना, पूरा भर दिया हूँ हवा। क्लीन करने में आसान हो जाता है और चेन स्प्रे करने में भी आसान हो जाता है। इसी ऑयल है, और प्रेशर करेंगे तो और स्पीड आती है। ठीक है, प्रोसीजर तो आपको मालूम हो गया, अभी तुम भी एक बना लो। और कुछ आपको चाहिए बोले तो इंस्टाग्राम पे आके नंबर लेके तुम डाउट क्लियर कर लो। अपने तुम्हारे लिए एक ऐसी चेक तुम बना सकते हो, अपने अपने गाड़ी के लिए भी तो बना के यूज़ कर सकते हो। अभी मैं टेस्ट करता हूँ, अभी अभी मेरे बाइक के पास जाता हूँ, उधर जाके टेस्ट करते हैं। चलो बाइक तो उधर है। अभी देखो कितना गंदा है चैन, ये 1 वीक हो गया अभी तक मैं क्लीन करके नहीं हूँ, मैं कुछ मेंटेन नहीं किया हूँ, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, स्मूथ चल रही है। ठीक है, अभी इसको क्लीन करते हैं, पहले केरोसिन क्लीन करना, बाद में 90 प्लस फ्यूल वो स्प्रे करना। क्लीन हो गया है, ठीक है, अभी क्या करना, तुम्हारा ऑयल स्प्रे करते हैं। ठीक है,
लुब्रिकेट हो गया है एकदम फाइन, जो ओरिंग्स के अंदर पूरा ऑयल जाके रहता है, अभी पेट्रोल एवापोरेट हो जाता है तुम्हारा ऑयल उधर ही स्टे होता है। रिफिलेबल चेन स्प्रे, और ये जो स्प्रे बॉटल जो बनाया हूँ डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ करता हूँ, जैसे कि ब्रेक लिंक्स और ब्रेक लीवर्स, फुट रेस्ट, फुट पैक्स, और जो भी लिंक्स आते हैं जैसे कि इधर और इधर 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 उधर, सब मैं यूज़ करता हूँ। इसके इसके काम से आपका काम ईजी हो जाता है, ये मेथड से आपका काम जो भी क्लीनिंग का काम जो भी करते हैं तो ईजी हो जाता है, और बनाना भी सिंपल है। जो मैं अपने खोपड़ी की बात है, खोपड़ी चला लिए तो आइडिया बन गई, तो इसके पीछे एक महीना रिसर्च पे सर्च के ऊपर कैसे बनाना, तो फाइनली यही जो कंटेंट जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ओके, फॉर टुडे दैट्स इट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।